हेलो एवरीवन वेलकम टू शम्पोर्ड इंग्लिश दोस्तों आज के इस वीडियो में द लोटस पोएम से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम को हम लोग डिस्कस करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बढ़िया से जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो आइए वन बाय वन हम लोग सभी एम को बढ़िया से डिस्कस करते हैं दोस्तों मेरा पहला क्वेश्चन है हु इज़ द पोएट ऑफ द लोटस तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तोरुदत. दत्त नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड अपॉन टू सेटल द डिस्प्यूट इन द पोयम तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि फ्लोरा नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम द लोटस तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है द पोएम द लोटस इज रिटेन इन विच फॉर्म तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि सोनेट आइए सोनेट के बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे दूँ. दोस्तों जिस पोएम के अंदर टोटल चौदह लाइन्स होगी वो पोएम सोनेट कही जाएगी और ये चौदह जो लाइन होगा ये दो पार्ट में बटा हुआ होगा स्टार्टिंग का जो एट लाइन होगा इसे ऑक्टेव कहा जाएगा और नीचे का जो छः लाइन होगा उसे सस्टेट कहा जाएगा टोटल कितना लाइन हो गया आठ और छः चौदह लाइन हो जाएगी चौदह लाइन वाली पोएम को हम लोग सोनेट कहेंगे चौदह लाइन जो होगा वो दो पार्ट में होगा स्टार्टिंग का जो आठ लाइन होगा उसे ऑक्टेव कहा जाएगा और नीचे का जो छः लाइन होगा उसे सेस्टेट कहा जाएगा तो ये होगे सोनेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उस वीडियो का दे दिया हूँ आप उसको देख लीजिएगा छः सात मिनट के अंदर केवल सोनेट को हम लोग बढ़िया से डिस्कस किए हैं कि इसका राइम स्कीम क्या होता है क्या कैसे होता है हर एक डिटेल वहाँ पे हम लोग डिस्कस किए हैं तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोनेट नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है हुआ डज द रोज सिम्बोलाइज इन द पोएम तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पावर एंड पैशन नेक्स्ट क्वेश्चन है ट डज द लीली सिम्बोलाइज इन द पोएम तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्योरिटी एंड इन ओ सेंस नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है द लोटस विच टू फ्लार्स आर डेपिक्टेड एज अराइवल्स तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रोस एंड लीली नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है वट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन टू द रायवलरी विटवीन द रोस एंड द लीली इन द पोएम तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अ न्यू फ्लार इज क्रिएटेड नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है इज चूज एज द क्वीन ऑफ ऑल फ्लार इन द पोएम तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि द लोटस नेक्स्ट क्वेश्चन है वट कलर पेटल्स डज द लोटस हैव इन द पोएम तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्लू नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है इन द पोएम हु फ्लोरा डिसाइड अबाउट द लोटस तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इट इज द क्वीन ऑफ फ्लार्स नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है विच पोइटिक डिवाइस इज यूज इन द लाइन लव कैम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लार तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि परसोनिफिकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द गॉड एज एसोसिएटेड विद फ्लार्स इन द पोएम तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानि कि फ्लोरा नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है हुई लिटरेरी डिवाइस इज प्रीडोमिनेटली यूज इन द पोएम तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि परसोनिफिकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डज द पोएट सजेस्ट बाय मेकिंग द लोटस द क्वीन ऑफ फ्लार्स तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है द लोटस इज डेपिक्टेड एज अ कंबिनेशन ऑफ विच टूक फ्लावर्स इन द पोएम तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रोज एंड लिली नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट जेनर डज द पोएम द लोटस बिलोंग टू तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लेरिक पोएट्री नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोएम द लोटस तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रिफ्लेक्टिव नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द लोटस इन द पोएम तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अ ऑफ ब्यूटी एंड प्योरिटी नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है हु इज द फिगर दैट रिप्रेजेंट्स लव इन द पोएम तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्यूपेड नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है व्हाट क्रिएशन ऑफ द लोटस सिग्निफाई इन द कंटेक्स्ट ऑफ पोएम तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है हाउ मैनी लाइन्स देर आर इन द लोटस तो मैं आपको बताया ही कि यह सोनेट है और सोनेट है तो चौदह लाइन होगी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम द लोटस तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानि कि ए बी बी ए बी बी ए सी डी सी डी सी डी तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सोनेट इज द लोटस तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि पेट्रार्शन सोनेट एंड मेरा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ये है द लोटस व्हाट इज दट्स ब्रॉडर मैसेज अबाउट कल्चरल हारमोनी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि इम्ब्रेश डाइवर्सिटी कंबाइनिंग द बेस्ट ऑफ डिफरेंट ट्रेडिशंस तो दोस्तों ये ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन द लोटस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं जो मैं आपके बीच डिस्कस किया आप सभी स्टूडेंट्स इन सभी एम को बढ़िया से जरूर कर लीजिएगा यहाँ से हर एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं बाद बाकी अगर आप इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट्स हो तो हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी का हमेशा हेल्प करता रहूँगा अगर आप बिहार से हो और इंग्लिश ऑनर्स रखे हो तो बेहिजक आप लोग हमारे साथ जुड़िए हमारे पास हर एक सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन बैच अवेलेबल है ऑनलाइन बैच के माध्यम से मैं आपको आपका सिलेबस बढ़िया से कंप्लीट कराऊंगा साथ में सारा का सारा कंप्यूटराइज नोट्स इसी प्रकार से आपके बीच डिस्कस करूंगा कहीं से कोई इश्यू आएगी तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल करके अपना डाउट भी शेयर कर पाएंगे दोस्तों मेरा नाम है जे पी यादव मैं भी इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट्स रहा हूँ बी एड किया हूँ और कई बार सीटेड क्वालिफाइड हूँ आपको हमारे साथ जुड़ना हो घर बैठे बढ़िया से तैयारी करना हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा अपना सेशन एंड यूनिवर्सिटी का नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा थैंक यू सो मच एवरीवन